हैदराबाद आप लोग कभी आइएगा तो ये चार मीनार ज़रूर घूमने आइएगा, यहाँ का तो बहुत ही फेमस चीज़ है। और बगल में ही म्यूजियम है, हम लोग म्यूजियम घूमते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। मुझसे से 10 से 15 मिनट की दूरी पे म्यूजियम है। हम लोग तो ऊपर चढ़े आए हैं और यही नीचे जो आपको दिख रहा है वो एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार, जहाँ से अभी हम लोग ऊपर चढ़े हैं। और लगातार भीड़ लगा ही है लोगों का, चढ़ने वालों का। देखिए सब लोग बारी बारी से लाइन लगा के ऊपर आ रहे हैं। और वही जो बना हुआ है पिलर, उसी पिलर के अंदर से सीढ़ी बना हुआ है, वही सीढ़ी ऊपर चढ़ते 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 ये यहाँ पर आके एंड हो गया है। और वही जो खिड़की जैसा दिख रहा है दरवाज़ा, वहीं से होते ही फिर ये चारों तरफ से बरामदा है। और ऐसे ही आकार का शेप दिया हुआ है, इसी से लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, ऐसे ही से लोग घूम रहे हैं चारों तरफ से। देखिए मेरी एक फैमिली वहाँ है जो हाई कर रहे हैं। भीड़ तो लगातार लगा ही है लोगों का, आ रहे हैं जा रहे हैं सब। नीचे का व्यू है जहाँ से हम लोग एकदम अंदर नीचे घुसे थे, कंपाउंड के अंदर का गेट है जो वहाँ से अंदर आने पर है, चेकिंग की इधर चल रहा है उसी से हम लोग अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद फिर ये यहाँ से ये दरवाज़ा था। कबूतर यहाँ बहुत है, सभी जगह पे कबूतर का पोती किया हुआ है। पुराना चीज़ में तो खैर कबूतर का बसेरा हो ही जाता है, जितना भी पुराना चीज़ देखिएगा आपको तो कबूतर बहुत ही दिखेगा। यहाँ पर भी चार तरफ से कबूतर बैठे हुए हैं और सब पोटी करके गंदा किए हुए हैं। चल पुराना ही रहता है, पुराना चीज़ कभी भी नया चीज़ उसका कंपेरिजन नहीं कर सकता है। पुरातत्व का समर्थन रहेगा, मंदिर मस्जिद जो भी है उसको तो लोग जरूर देखने आते हैं। अच्छा उतरना है, हो गया पता हूँ। अच्छा हमको लगा कि इसको ऊपर भी जाना है, इसके ऊपर कोई छा ही नहीं, इसके ऊपर ये बिल्कुल अपोजिट साइड से घर भी आ गए। चारों तरफ ऐसे मार्केट है, घूम आप देख सकते हैं। घर भी क्या चीज है, नीचे उतर रहे हैं। उतरने का अलग रास्ता है और चढ़ने का अलग है ना, गुफा की तरह है एक तरह से ये। ये हम लोग अब वहाँ से बाहर निकल गए हैं, वो तो दूर है, अब हम लोग यहीं बगल में है, डोमलोज का है तो लिखा हुआ डोमलोज है। अब उसी में हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या बच्चा है, क्या खाता है। बैक साइड से है, है सब इसी में है, सब लोग बैठ गए हैं। चार मीनार के बगल में ही है, चारमीनार को घूमने के बाद हम लोग अभी बगल में पैराडाइज का है एक रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है, इसी में ये लोग आए हुए हैं खाने, फोटो देख सकते हैं जो जो आए हुए हैं। और इसी में हम लोग अभी बैठे हैं खाने के लिए। तो हैदराबाद कोई आए और बिरयानी ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हैदराबाद आकर के आप लोग चिकन बिरयानी ज़रूर से खाइएगा। और ये चारमीनार के बगल से ही है, पैराडाइज रेस्टोरेंट है। वो चार लोग उधर बैठे हुए हैं जो हम यहाँ नहीं अट पाए हैं, बैठे हुए हैं खाने के लिए।
हैदराबादी बिरयानी यही है, चिकन बिरयानी। ये देखो ऐसा आता है, ऐसा देख लो, देख लो ये वाला। ठीक है, यही वाला हम लोग लिए हैं, इसमें डाल दिए हैं। हाँ जी, चलिए जी, वीडियो बना लो जरा, जरा हमारा भी बना लो, हमने दिया आपको, बस हो गया मैडम। सारा कॉस्मेटिक शॉप यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्रंची वाला रबड़ है, लेकिन मेरी बिटिया दो को ले ली है, दो कलर, मेरी दो कलर पसंद की है, पसंद है ना। चलो ठीक है, 20 रुपीज में दिए हैं पर पीस। किसके लिए? बोला ना यार, फिक्स रेट है बोल के 50 रुपये में शर्ट खरीदते हैं। चेक करिएगा, बेकार रहेगा, ऐसा टेंशन मत लो आप, अरे फ्रेश पीसेस है मैडम, क्या यूज किया हुआ बिक रहा हो गया, आपको टेंशन ले रहा खाली। इतना बड़ा सारा लगा हुआ है, लेकिन हमको यही 3 पसंद पड़ा है, देखिए कैसा लग रहा है। अब आए हैं हैदराबाद तो कुछ ना कुछ तो हमको निशानी लेना ही है, इसलिए हम यहाँ यही ले लिए हैं।